हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पर्ल इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। फिर से वही बात है, ये सेकंड लेक्चर है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और अब बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, दैट इज द लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होना चाहिए। ये लॉफुल का मतलब क्या है? लॉफुल दैट मीन्स लॉ से भरा हुआ, दैट मीन्स प्योरली बेस्ड ऑन लॉ। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही आप कर सकते हैं। और ये चीज क्या है? द कंसेप्ट इज ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। ये लॉफुल का तो पता लग गया कि लीगल होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन क्या चीज होती है? मैं बोलूंगा, जब भी आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक मकसद के साथ करते हैं, एक रीजन होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको बाइक चाहिए, तो बाइक आपका रीजन क्या? बाइक खरीदना, तो आपको बाइक खरीदनी है, वो आपका रीजन है। बाइक क्यों चाहिए? आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, कहीं पे जाना है, तो आपके पास एक रीजन है बाइक खरीदने का, ठीक है ना? आपको बाइक चाहिए तो आपके पास एक रीजन है। और बाइक चलाना, आपके पास लाइसेंस है, आप बाइक चलाने के लिए एलिजिबल हो, दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू बाय अ बाइक, दैट विल बी अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों लीगल होगा? क्योंकि बाइक चलाना इलीगल थोड़ा। अगर आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यू कैन ड्राइव अ बाइक, चाहे ऑफिस जाओ, चाहे स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जाना है तो जा सकते हो, लाइसेंस होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, आपका ऑब्जेक्ट, रीजन फॉर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट शुड बी लीगल, लॉफुल। लेकिन अगर आप किसी से फ्रॉड करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेट सपोज आप और आपका एक दोस्त मिलकर सोचते हैं किसी थर्ड पर्सन को, जिसको आप जैसे लूटना चाहते हो, जैसे आप सोच रहे हो कि एक प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी हम ऐसे करेंगे, एक बंदे को बेच देंगे, नकली कागज बना के, नकली रजिस्ट्री क्रिएट करके, नकली डॉक्यूमेंट के साथ बेच देंगे। जैसे ही आपने ये सोचा, ये कंसेप्ट लगाया और कॉन्ट्रैक्ट में ये करने का सोचा, तो आपका मकसद ही इलीगल है। आपने क्या सोचा? अपने फ्रेंड के साथ एक इलीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे और एक प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देंगे। विटनेस आपका फ्रेंड बन गया, दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू। वो उसने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, हाँ मैंने देखी हुई है, मैं डील करवा देता हूँ, और आपने उसको लूटने का सोचा। सबसे पहले जो, अगर ये आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे जो फ्रॉड पेपर के साथ बना रहे हो, दैट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका मकसद क्या है? उसको लूटना, फ्रॉड करना। तो फ्रॉड के रिलेटेड अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, तो आपका ऑब्जेक्ट ही इलीगल, अनलॉफुल हो गया। तो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आप बना ही नहीं सकते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टिकेगा नहीं कोर्ट में, दैट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बेस पे आपको केस भुगतना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ? तो सबसे बेसिक लॉजिक क्या, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, तो उसका ऑब्जेक्ट, उसका मकसद लीगल होना चाहिए। इलीगल कंसेप्ट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। सेकेंड चीज बात करेंगे, द कंसेप्ट इज कंसीडरेशन। ये कंसीडरेशन क्या चीज होती है? कंसीडरेशन जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया। लेट सपोज मैंने बोला आपने एक बाइक खरीदनी है, तो आपको क्या चाहिए? बाइक। तो आप कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए बनाएंगे? एक बाइक के लिए। जैसे ही आप शोरूम में गए, आपको एक बाइक पसंद आती है, आप वो बाइक खरीदना चाहते हो, तो यू विल गो फॉर दैट बाइक। बाइक खरीद दी, ठीक है जी, अब बदले में उसको क्या मिलेगा? अगर आपको बाइक चाहिए, आपके लिए कंसीडरेशन बाइक है, आप बाइक कंसीडर कर रहे हो, बाइक लेना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट बाइक के लिए बनेगा। बट हम अपने लिए सिर्फ बनाएंगे, तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, वन साइडेड तो होगा नहीं, वो दान तो कर नहीं रहे आपको, दे आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट। तो आपने बाइक खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपके लिए कंसीडरेशन क्या होगी? बाइक। और बदले में उसको क्या मिलेगा? अगर वो आपको बाइक दे देगा, तो आप उसको क्या दोगे? पैसे। जो पैसा आपने बाइक खरीदने के लिए दिया, वो उसके लिए कंसीडरेशन है। आई मेरी बात समझ? अगर आपको बाइक चाहिए, तो आपके लिए कंसीडरेशन वो बाइक है, और उसको पैसा चाहिए, तो उसके लिए कंसीडरेशन पैसा होगी। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक लॉफुल कंसीडरेशन का होना जरूरी है। जैसे बाइक, आपके पास लाइसेंस है, बाइक लीगल है, पैसा लीगल है, दोनों चीजें लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अब अनलॉफुल लॉजिक पे जाते हैं। एक बाइक खरीदने जा रहे हो, वो चोरी की बाइक है, आपको पता है, वो एक डीलर है जो चोरी की बाइक्स में डील करता है। आपने बोला उसको, मेरे को वो बाइक चाहिए, लेट सपोज वो बाइक मार्केट वैल्यू उसकी 1,00,000 रुपए, आप उसके पास जाते हो, पूछते हो ये बाइक कितने की है, वो बोलता है 30,000 में ले लो।
चोरी की बाइक 30,000 में, अब आपको कंसिडरेशन में मिलनी तो बाइक ही है, बाइक ही मिल रही है। अब आप बोलोगे बाइक कौन सी इलीगल होगी, लेकिन वो बाइक चोरी की बाइक है, उसके पास उसके कागजात ही नहीं है, ही इज नॉट हैविंग एनी पेपर ऑफ ओनरशिप, टाइटल ही पता नहीं किसका। चोरी की बाइक आप 30,000, 1,00,000 की बाइक 30,000 में खरीद रहे हो, अब आपकी कंसिडरेशन इलीगल होगी। आई मेरी बात समझ, उसको आपने पैसा दे दिया, ठीक है मान लिया आपने उसको पैसा दे दिया, उसके लिए लीगल हो गया, लेकिन आपके लिए तो इलीगल हो गया ना, उसको तो पैसा मिल गया, वो बोल उसको क्या पैसा मिल गया, काम खत्म। बट मेन चक्कर क्या, आप जैसे ही उसने आपको बाइक दी, कर तो वो क्राइम ही रहा है, ये तो नहीं कि वो कोई वैलिड एक्ट कर रहा है, लेकिन आपकी कंसिडरेशन इलीगल होगी। सीधी सी बात है, एक चोरी की बाइक खरीदना क्राइम है, तो आप नहीं खरीद सकते, तो ये अनलॉफुल होगा। इसके लिए अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेते हो, लेट सपोज उसने सेल के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया दैट ही सोल्ड यू दैट पर्टिकुलर बाइक, वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। आई मेरी बात समझ, आप कल को ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने उससे बाइक खरीदी है, ये देख लो जी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये चोरी की बाइक, आपको पता है चोरी की बाइक है, बात सीधी से, उसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है उसका कोई, आपके पास कोई आरसी नहीं है, प्रूफ ही नहीं है वो उसका, तो आपने अगर बाइक खरीद भी ली जिसकी आपके पास आरसी ही नहीं है, तो आप मेरे को ये बताओ हाउ कैन यू क्लेम दैट बाइक। रजिस्ट्रेशन कॉपी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन आपके पास है ही नहीं है, तो हाउ कैन यू क्लेम दैट पर्टिकुलर बाइक, तो कल को पुलिस ने पकड़ लिया तो आप पे भी केस हो जाएगा। आई मेरी बात समझ, तो आप अनलॉफुल कंसीडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बोला ठीक है तू ऐसे कर बाइक मेरे को दे दे और मेरे से कोई काम करवा ले, लेट सपोज उसने बोला तू एक बंदे को पीट दे, उसको मारा, उसकी लात तोड़ दे, कुछ कर दे, उसके लिए मैं तेरे को बाइक दे दूंगा अपनी, वो बाइक उसकी है, अब चोरी की बाइक नहीं है, बाइक हम वैलिड मानते हैं कि ये एक बंदा है, दो आपका फ्रेंड है, उसके पास एक बाइक है, वो आपको बोलता है कि मेरे से एक बाइक ले लो, अब आप बोलोगे बाइक उसकी है, मैं बोल रहा हूँ हाँ जी उसकी है, वो बाइक लीगली उसकी है, हाँ जी उसकी है, वो आपको दे रहा है, हाँ जी दे रहा है, लेकिन अब जो वो बदले में चाहता वो इलीगल है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप उस बंदे को एक उसका कोई दुश्मन है, एनिमी है, उसको पीटाओ, आप पीटने चले जाते हो, उसको पीट देते हो, बाद में वो आपका दोस्त आपको बाइक ही नहीं देता, तो क्या आप उस पर केस कर सकते हो, नहीं कर सकते, कैसे करोगे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे आप फंस सकते हो, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ देखो क्या द ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन, आपका मकसद और आप जो बदले में एक दूसरे को दे रहे हो वो लीगल होना चाहिए, फिर ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। आई मेरी बात समझ, ये है एक बेसिक लॉजिक या वैलिड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, अगर ये चीज समझ आई तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर कुछ और नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आई एम विश्व मल्होत्रा, हेड ऑफ पर्ल इंस्टीट्यूट बटाला, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।